तकरीबन 9:30 बजे टाइम पे मोहम्मद जावेद बल्कि जो बादुपुरे में रहते वो घोड़ों का कारोबार करते, सिरमांग के लिए सप्लाई करते और आजकल 1-2 महीने से रियल इस्टेट भी बिजनेस करते। आज उनके पास टोयोटा गाड़ी है, गाड़ी बनाने के लिए राजेंद्रनगर को आए, राजेंद्रनगर पे मैकेनिक थोड़ा लेट हुआ है बोल तो मिर्ची खाने के लिए प्रजा भवन बोल के है श्रीरामपल्ली रोड पे साई बाबा मंदिर के बाजू, वो मिर्ची खाते हुए बैठे, तो मिर्ची खाते हुए कुछ दोस्तों को कुछ बात करने के लिए बुला लिए। वो दोस्त 3-4 जने दोस्तों भी आए और एक कार में आए, वो कुछ ज़मीन के कारोबार के लिए कुछ बातचीत चली, बाद में बैसम बैसी हो गया। उसमें क्या हुआ कि कोई नहीं देखे, उसके बाजू एक ड्राइवर था, उन्हें पानी एक बॉटल लाने बाहर निकला, रोड पे आया, फिर वहाँ निकला पानी का बॉटल लेके अंदर जाते होगा तो लोग उसको वो चाकों से मार के गिरा दिए। तो लोग भागते हुए गए तो ये ड्राइवर देखा उनको, जो 4 जने एक मोटरसाइकिल छोड़ के भागे, एक कार में भागे, उनके 2 मोबाइल फोन भी छोड़ के भाग गए यहाँ। तो उनको पीठ में और पेट में 7-8 इंजरीज है, उन्होंने स्पॉट में मर गए। तकरीबन 9:35 को इंसिडेंट हुआ, तो मोबाइल फ़ोन के एविडेंस से जिनके मोबाइल फ़ोन है वो कलेक्ट करके यहाँ SOD टीम भी आया, क्लूज टीम भी आया और इंस्पेक्टर राजेंद्रनगर सुरेश स्पॉट पे रह के पूरा एग्जामिन करके क्लूज कलेक्ट करे और बॉडी को पूरा चेक करे, बाद मार्शरी को भेजा दे रहे बॉडी को अभी, और जो जो इन्वॉल्व है केस में उनको 1-1.5 घंटे में पकड़ लेती है। अभी पकड़ के वो क्या मोटिव क्या है, किस जगह से किस वजह से मारे, वो पूरी तब्दील की इन्वेस्टिगेट करके जो भी इन्वॉल्व है केस में उनका अरेस्ट करके वो कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। ऐसा नहीं, रहने का नहीं, कोई बातचीत चल रही थी, उनके पास कागजों के कारोबार है, मिर्ची खाते हुए बैठे वो क्या हुआ कि वो बैसे में ऊँगा हो सकता, अभी नहीं बोल सकते अपन, उनको पकड़े के बाद मोटिव क्या है, क्या वजह से हुआ, क्यों हुआ, अभी बाद में अपन बता रहेंगे। थैंक यू।